I am Dr. Vankade, Dr. Sahadev Vankade from Akola. I am a productive umpire practicing since 1999. Near about 22 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव होम्योपैथी फॉलो कर रहा हूँ और मैं शुरुआत से ही डॉक्टर विजयकर सर के साथ रहा हूँ और सर के सभी वर्कशॉप, सेमिनार्स, मॉड्यूल्स, CCPH, SCPH, SCPH प्लस सब कोर्सेस मैंने किए हैं, डेली वर्कशॉप ले रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर्स बुक्स, प्रोडक्टिव होम्योपैथी बुक्स। ओके, सो हम डेली बुक रीडिंग लेते हैं और कुछ केस प्रेजेंटेशन भी करते हैं। ओके, तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मेरा हॉस्पिटल है अकोला में, IPD भी चलाता हूँ, मोस्टली क्रिटिकल केसेस के लिए मेरे यहाँ पेशेंट होते हैं। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी इट इज़ प्रिडक्टिव होम्योपैथी। यस, मोस्टली मैडम मेंटल केसेस पे प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो फिजियोलॉजी हमने सभी ने पढ़ी है ड्यूरिंग कॉलेज टाइम। वी हैव ऑलरेडी लर्न द फिजियोलॉजी बट वी नेवर लर्न द एप्लीकेशन ऑफ फिजियोलॉजी इन होम्योपैथी, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी इन होम्योपैथी। यस, तो आज यहाँ पे हम देखेंगे कि फिजियोलॉजी का होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, सो फिजियोलॉजी इज द स्टडी विच डील्स विथ नॉर्मल वर्किंग और फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बींग। इट इज अ साइंस विच एक्सप्लेन्स वेरियस मैकेनिज्म गोइंग इन द बॉडी, फिजिकल एंड केमिकल लेवल, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। फिजियोलॉजी, डॉक्टर अनिता सालुन के, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ। फिजियोलॉजी इज द स्टडी विच डील्स विथ नॉर्मल वर्किंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बींग। इट इज अ साइंस विच एक्सप्लेन्स वेरियस मैकेनिज्म गोइंग इन द बॉडी, फिजिकल एंड केमिकल, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ, all of which are must to keep human body alive. Why physiology is important in homeopathy? Physiology, why is it important in disease and cure? Life is very precious. We have no right to play with anyone's life. Human being is most intricate machine in this world. So it is of utmost important for the physician to know normal functioning of this machine. जब तक हमें normal functioning of body पता नहीं होगा तब तक हम disease को analyze ही नहीं कर सकते कि normally क्या होता है, normal physiology क्या है, normal functioning क्या है, ये हमें पता नहीं तो डिजीज में जो भी अल्टरेशंस होंगे, जो भी चेंज होगा वो कैसे पता चलेगा। तो नॉर्मल, सब पहले सब नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए। सो अंटिल एंड अनलेस वी नो नॉर्मल फंक्शनिंग वी कैन नॉट नो व्हाट हैपेंस इन डिजीज एंड क्योर। फिजियोलॉजी वाइज इज होम्योपैथिक फैक्टर्स, मेनी एक्सप्लेनेशंस ऑफ अनएक्सप्लेन फिनोमेना इन होम्योपैथी कैन बी substantiated from knowledge of physiology. Yes. The question frequently asked by homeopaths are, why our medicines are prepared from glucose and alcohol? How medicine brings about cure? Why Herring's law should be seen and what is explanation? What usually do you know by homeopathic constitution? These are the questions. जो न्यू होम्योपैथ्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो कमिंग होम्योपैथ्स है, उनको हमेशा ये क्वेश्चंस होते हैं। दीज आर कॉमन क्वेश्चंस
everyone suffer from this common questions. Yes. So what is partially similimum remedy? When and when not to repeat a dose or treat a patient? These are the कॉमन बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. जब तक हमें हमारे ही सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक हमें हम लोगों को पेशेंट्स को कैसे एक्सप्लेन कर पाए. तो हमें ये जो सिक्स क्वेश्चन यहाँ दिए हैं इसका जवाब इसी फिजियोलॉजी में. तो हम ये क्वेश्चंस वन बाय वन आगे देखने वाले हैं. एंड इन रिपीटेशन ऑफ डोजेज दैट इज वेदर टू गिव होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टिम्युलस or wait and watch. If we are born on this earth, God has given us healing capacity. This is nothing but immunity. If it fails, then we have to intervene, not otherwise. जब हमें पता चलता है कि इम्यूनिटी रेजिस्टेंस पावर उसकी हीलिंग कैपेसिटी कम हो गई, हीलिंग हो नहीं रहा, स्टॉप होगा या फिर स्लो हो रहा है या फिर हीलिंग हो ही नहीं रहा है, डिजीज किसी और डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तब हमें पेशेंट को मेडिसिन देने की जरूरत है, तब हमें उसमें इंटरफियर करने की जरूरत है. जब तक नो. तो इवन इन इंजुरी हीलिंग टेक्स प्लेस विद इन 24 to 48 hours. यस. इफ इट गिव्स राइज टू एनी सिम्टम्स और बैड साइंस then only constitutional remedy is required, not otherwise. देखो, मैंने आपको urinary tract infection की केस बताया था, जो 24 to 48 hours, near about 72 hours में complete cure हो गई. और एक आज मैं आपको hepatitis की केस बताऊंगा, detect करूंगा, जो within a 3 days नॉर्मल हो गई. तो ये कब पॉसिबल है? जब हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी पसंद है तभी ये पॉसिबल है. तो ये कैसे होता है, ये क्यूर कैसे होता है, इतना फास्ट रिजल्ट कैसे है, कैसे आता है इतना फास्ट रिजल्ट? बिकॉज ऑफ परफेक्ट सिमिलिमम, है ना, GCS. GCS से ही ये रिजल्ट आ सकता है. ये GCS कैसे सिलेक्ट करना, व्हाट ऑन बेसिस, ऑन व्हाट पैरामीटर्स, इसे हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं? तो मैंने वो केस के बारे में आपको बताया था कि 7 years, she was 10 years girl. She came to me 6 September. Her HB was 10.9 and serum bilirubin was 6.6. अब यहाँ पे हमें फिजियोलॉजी जानना जरूरी है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है. तो नॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है बिलोरुबिन का, आप खुद को अनम्यूट करके या फिर हैंड राइज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. आप डिजिटल हैंड राइज कीजिए अगर आपको आंसर देना है. तो नॉर्मल बिलिरुबिन कितना होता है? 0.22. यस, 0 to 1.2, दैट इज द नॉर्मल वैल्यू, राइट. सो हर टोटल बिलिरुबिन वॉज 6.60, डायरेक्ट बिलिरुबिन वॉज 5.40, इनडायरेक्ट वॉज 1.20 एंड वेरी सरप्राइजिंग एचजीओटी वॉज 530 एंड नॉर्मल वैल्यू ऑफ एचजीओटी इज 0 to 38. सो इट इज ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड 530. एचजीपीटी वॉज 1270 एंड नॉर्मल वैल्यू इज 0 to 40. Alkaline phosphate was 308. So these are the values. आपने नोट किए होंगे, राइट? यस. तो ये थे फर्स्ट जब वो आई तब के रिपोर्ट.
और उसके जो सिम्टम्स थे, जो कंप्लेंट थी, दैट वाज सीवियर बॉडी एक, सीवियर पेन इन लेग्स, सीवियर हेडेक, नौसिया, एब्डोमिनल पेन, 2 to 4 लूज मोशंस दैट डे व्हेन शी केम टू मी, शी वाज विथ लूज मोशंस, पेल फेस, एलोविश लुकिंग ऑफ फेस, डलनेस, very very weakness, loss of appetite, nausea due to smell of food, uterus was present, fever near about 102.4, chilly, restless, and her mentals was wants everyone near her. और जब वो admit हुई तब नेक्स्ट शायद गणपति उठने वाले थे आई थिंक, तो उसका एक ही कहना था कि मैं एडमिट नहीं होती क्योंकि मुझे कल गणपति उठाना है घर में, यस, विसर्जन करना है, तो उसके लिए वो रो रही थी बहुत, वेरी इरिटेबल ऑन क्वेश्चंस। और जो पॉजिटिव फैक्टर था वो ये था कि 8 दिन पहले स्कूल में उसके टीचर ने उसे खड़ा इसलिए किया था कि उसके पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी, तो टीचर ने सबके सामने बोला कि अगर कल फीस नहीं भरी गई तो मैं तुम्हें क्लास से हकाल दूंगी। एंड सी अफ्रेड, अब मेरा क्या होगा, अगर मुझे स्कूल से हकार दिया तो मैं पढ़ाई कैसे करूं, एंड बिकम वेरी एंग्री। उसे टीचर पे बहुत गुस्सा आया कि टीचर ने ऐसा बोला कि सबके सामने कि तुझे हकार लूंगी, दैट मींस वेरी सेंसिटिव गर्ल, और डर भी लगा उसे कि अब कैसा होगा, है ना, अगर टीचर मुझे हकार देंगी तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी, मैं स्कूल कैसे आऊंगी। सर एक क्वेश्चन होता मला कि ती तिच्या कंप्लेंट मध्ये इरिटेबल आहे ऑलरेडी, तिला त्रास होतोय, तर मग इरिटेबल हा सिम्पटम घेणं किती बरोबर आहे, काय काय घ्यायचा की नाही घ्यायचा? ऍक्च्युअली जॉन्डिस कम्स इन सायकोसिस, सो इरिटेबल कम्स इन सोरा, नाउ यू डिसाइड इज इट इम्पॉर्टंट टू टेक इट ऑर नॉट, कारण की तिला लूज मोशन होत आहेत आणि बाकीच्याही गोष्टी तिला आहेत, त्रास आहे, लूज मोशन इट इज द कॉमन सिम्पटम ऑफ हेपेटायटिस, नो मग ती इरिटेबल होणारच आहे ना, त्यामुळे कारण क्वेश्चन विचारलं, यस बट इट्स अक्यूट स्टेज ना इरिटेबिलिटी, यस, मैंने ओनली सिम्पटम बताया, नहीं नहीं म्हणजे विचारते मी तुम्हाला की सिम्पटम घ्यायला पाहिजे का नाही घ्यायला पाहिजे असं, आपण अनालिसिस वर आलो नाही अजून, ओके, तो क्या करना अब ऐसे केस में, पेलनेस, पैलर, एक्टरस वॉज देयर, डलनेस, वीकनेस, बॉडी एक, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, नौशिया, ओमिटिंग, एचजीपीटी कितना राइज हुआ, एचओटी कितना राइज हुआ, आपने देखा, तो बताइए अब एनालिसिस फास्ट, वी विल गो फास्ट। इस टीम सर, यस, इस टीम हर्ट झाला है तिचा, इस टीम हर्ट झाला है, ओके, एलिमेंट फ्रॉम इंसल्टिंग, एलिमेंट इंसल्टिंग, यस, इंसल्ट झाला तिचा वर्गामध्ये, liver complaints of Dr. Vasu, liver complaints of, yes, or fear fright, fear fright, okay, or anxiety anticipation, iota, anxiety anticipation, yes, anxiety future about,
एंजाइटी टीचर और वेरी गुड। लेकिन मुझे ये बताइए कि लीवर का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? फियर अबाउट स्टार्वेशन। फियर ऑफ स्टार्वेशन, यस। फियर ऑफ स्टार्वेशन, तो यहाँ पे स्टार्वेशन क्या है? फियर ऑफ स्टार्वेशन का मतलब यही नहीं पकड़ना कि उसको खाने को नहीं मिल रहा है ना, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है उसका। स्टार्वेशन अबाउट नॉलेज, यस। स्टार्वेशन अबाउट नॉलेज, स्टार्वेशन अबाउट लर्निंग है ना, यस यस। तो यहाँ पे स्टार्वेशन अबाउट लर्निंग उसने फील किया एंड हर रिएक्शन वॉज एंगर एंड फियर फ्राइट एंड अगेन वन थिंग वॉज देयर कि सबके सामने बोला इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो सिंगल लड़की थी, वो सिंगल लड़की थी। उस लड़की ने बोला कि अगर वो बोलते थे कि मम्मी पापा को बुलाओ तो चल जाता था, लेकिन उन्होंने सबके सामने कोई नहीं था बोले और मैं पूरे क्लास में अकेली लड़की, मुझे ही खड़ा किया, मुझे ही बोला, उसका ज्यादा इफेक्ट उस पर। Humiliation. Okay. But the question is that कि that 10 years old girl child can understand the meaning of humiliation. नो सर, इन्सल्ट झाला ना तिचा, ते इन्सल्ट तिला समजला की माझ्या सगळ्या वर्गासमोर मला एकटीला उभं केलं आणि माझा इन्सल्ट केला सगळ्यांसमोर, म्हणजे फीसची गोष्ट काढून असं। बट व्हेन शी केम ऍट होम अँड शी वेप नियर अबाउट 2-3 अवर्स कंटिन्युअसली, ये पूरे क्लास में मैं अकेली ही हूं जिन्होंने फीस नहीं भरी और मुझे ही टीचर ने खड़ा किया और बोला कि कल से स्कूल में नहीं आने दूंगी। झगड़ा किया उसने पेरेंट्स के साथ कि तुम आज के आज फीस भर दो नहीं तो मैं स्कूल कैसे जाऊं। इट इज ड्यू टू फियर आल्सो, due to fear also. Diligent है तो। Diligent है। But तो sir, इमरास में dean का sir? Yes. Who said? इमरास। Who said? Doctor Babu Rao. Doctor Babu Rao. Yes, thank you. So, embarrassment. तो कैसा तभी लग रहा था सबके सामने, सबके बीच में, that was embarrassment. So the embarrassment general एक रूब्रिक हो गया। Now liver का main positive factor that is the fear, है ना, fear of starvation. So यहाँ पे हम ले सकते कि elements from fear and pride, right? और तीसरा बताइए कौन बोलेगा? सर, एक्यूट फेज मध्ये तर फीवर घेऊ शकतो का आपण? फीवर तिला जास्त आहे। नो नो, फीवर इट इज अ डिजीज सिम्पटम। इपिंग सर, डिझायर कंपनी not desire company, उसको because of that fear or complaint, ये बच्चों में कॉमन होता है कि बच्चे जब भी कुछ बच्चों को होता है बीमार होते हैं तो उनको पास में कोई ना कोई चाहिए,
दिस इज कॉमन, इसलिए हम वो सोचेंगे नहीं कि उसको एवरीवन सी वांट्स एवरीवन नियर हर, ये उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं आएगा क्योंकि बच्चे है, वो बच्चे के लिए ये कॉमन है, राइट? एंगर यस, उसमें ले सकते हैं हम एंगर वेक्जेशन। कंसेंशियस डिलीजेंट, कंसेंशियस डिलीजेंट अगर लेते हैं हम तो चलेगा, लेकिन मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा वो, मतलब वो क्रॉनिक के लिए बहुत अच्छा है। उस बेस पे हम उसकी रेमेडी सिलेक्ट करेंगे उस बेस पे। जिनका बात करना हो गया वो प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, और बात करने की रही तो पट से अनम्यूट करना, वापस बात हो गई फिनिश हो गई पट से म्यूट कर देना, क्योंकि अनवांटेड नॉइस होता है जिससे हर कोई परेशान हो जाता है, और सबसे ज्यादा मैं होता हूँ क्योंकि मेरे ईयर्स में फोन लगे और मुझे सबसे ज्यादा नॉइस सुनने आता है। ओके, सो कॉन्शियस एंग्जाइटी कॉन्शियस और कंसाइंशियस, ये रूब्रिक के बेस पे हम उसको ड्रग को एनालाइज कर सकते, सिलेक्ट कर सकते, रूल आउट कर सकते। यस सर, चार्ट ऑफ एक्यूट में सर जाऊ सकते ना अपन? चार्ट ऑफ एक्यूट नहीं जाऊ सकता, यस। तो अपन ने कौन से किस किसने रूब्रिक्स डाले रेपर्टरी में, रेपर्टराइजेशन किया? दो डाले, एम्बरेसमेंट एंड एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट। एम्बरेसमेंट जर्नल डालो, एलिमेंट्स फ्रॉम फियर फ्राइट डालो, और तीसरा रूब्रिक कौन बताएगा? अभी बताया था किसी ने एंगर वेजिशन, वो भी ले सकता है, वो भी डाल दीजिए। और एक रूब्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर इंफ्लेमेशन ले सकते हैं क्या? लीवर इंफ्लेमेशन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर। वीपिंग लीव सकते हो ना, लेकिन मोस्टली जो डिजीज रूब्रिक्स होते हैं, पर्टिकुलर रूब्रिक्स होते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए, ऐसा सर ने कहा है। सर एंगर सप्रेस, एंगर सप्रेस नहीं है, वेजेशन वाले सकते आप, सप्रेस नहीं है, वो घर पे आके वो चिल्लाई ना पेरेंट्स से, रोई भी चिल्लाई भी। सर ती गणपति विसर्जन आलो नहीं म्हणते ना ती गेल्याशिवाय ऍडमिट होती, तो त्याला त्या याला काय म्हणणार आपण? इट इज अगेन द क्वेश्चन्स ऑफ इंटरेस्ट। लहान मुलांना गणपति देवीचा खूप वेड असतो ना, इट इज कॉमन। अच्छा, यस। So the fourth rubric, elements from scorn means cornic, scorn means cornic. पढ़ाया नहीं सर, कौन explain करेगा? सर वो टीचर ने उसको रूटीन टॉकेंगे ना स्कॉर्न, यस। अगर कोई अगर आपको रूडली बोलता है, स्कॉर्न करता है ना सबके सामने, तो ये रूब्रिक हम ले सकते हैं, राइट? यस, तो एक्सट्रीम कंटेम्प्ट, एक्सट्रीम contempt, disdain or derision for further discussion or of scorn, elements from scorn, or आप उसको mortification के बजाय भी ले सकते हैं और contemptuous के बजाय भी ले सकते हैं, right? So this is elements from scorn being scornic. Okay, तो क्या remedy आई बताओ?
कौन से मेडिसिन आए हैं? फास्ट वी आर स्पेंड 30 मिनट्स इन दिस केस सो डू फास्ट. कौन कारा यूज कौन कर रहा है? किसके किसके सामने है अभी लैपटॉप कारा? मैं दिखा दूं? यस सर. कोई अंदाज बताओ क्या आ सकता? स्टेप इज अग्री इग्निशिया. स्टेप इज अग्री इग्निशिया. केसी सर. सर हेलो सर. अस्पुर केसी. अस्पुर केसी. यस हाँ बोलिए ना बोलिए. सर एक्चुअली हमारे पास एमडी है तो वो एंगर और टेंडेंसी वेक्सेशन लेना या फिर एंगर कंप्लीट वो लेना एंगर टेंडेंसी लेना वो समझा नहीं एक्चुअली. एंगर वेक्सेशन रूब्रिक नहीं है कि उसमें आप कौन से तो उसमें सात आठ ही आया था मतलब मेडिसिंस चार पांच. आप रेपर्टरी कौन सी यूज कर रहे हैं? एमडी होम्योपैथ एमडी. एक्चुअली एरिया एलिमेंट फ्रॉम एंगर में 109 रेमेडीज है 109. ओके एलिमेंट फ्रॉम लेना था. यस मुझे लगा सिर्फ एंगर लेना है. ठीक और ये भी एलिमेंट फ्रॉम लेना है जी, क्योंकि उसको जो हुआ वो एकदम एक्यूट केस है ना और एंगर के बाद हुआ ना उसको इंफ्लेमेशन कब होगा इसका इरिटेशन हुआ लिवर का आफ्टर एंगर. अच्छा तो तीन एलिमेंट फ्रॉम लेना है हमको. इरिटेशन इंफ्लेमेशन क्रिएट्स एंगर. आप देखो ना कोई भी इंफ्लेमेशन होता है तो दैट पार्ट्स लुक्स लाइक एंग्री. यस यस सर. यस सर. तो इग्नेशिया आता है सर फर्स्ट इस पे 4/10 वो लेकिन उसमें एंगर हाँ सर. तो ये लो आपके सामने है. ओके सर. रेपर्टराइजेशन चार्ट आपके स्क्रीन पे. So, hyoscyamus. Hyoscyamus, phosphorus and sulfur. See what chili, thirsty. And desire for fruits and ice cream. Phosphorus. Phosphorus. Sulfur is hot, hyoscyamus is hot, phosphorus is chilly, left-sided, right? So, phosphorus and I prescribe phosphorus 200, one dose, 6/9/22 को दिया, उसके बाद उसका fever नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू था 103. चिल्स थे उसको, डलनेस कायम था, बॉडी एक पेलनेस ये भी कायम था. मतलब 6 को दिया, 8 का फॉलोअप बता रहा मैं आपको दो दिन बाद का, ये सब कंटिन्यू था. लेकिन 9 को उसका फीवर कम डाउन अप टू 99. And now she becomes very active, playful, appetite increase, paleness and icterus becomes less. So, 9th ka shayad report hai.
नहीं सॉरी टेंथ का रिपोर्ट है, मैंने 10 को भी रिपोर्ट किया उसका, तो 10 को उसका टेम्परेचर बिकम 96, नो एब्डोमिनल पेन, नो नोशिया, नो ओमिटिंग, माइल्ड बॉडी एक वॉज देयर, ओनली माइल्ड बॉडी एक वॉज देयर, हेडेक वॉज कंप्लीटली रिड्यूस्ड एंड रिपोर्ट्स ऑफ ब्लड एच बी वॉज 10.1 bilirubin 2.60 total bilirubin 2.60 अब आप पहले वैल्यू और उसके सामने ये वैल्यू लिखो और कंपेयर करो. डायरेक्ट वॉज bilirubin डायरेक्ट वॉज 2.30, इनडायरेक्ट वॉज 0.30 एंड HGOT पहले कितना था? 9.30. No, HGOT IU 30. Now it is 222. HGOT 222. HGPT was 1270. 1270 tha. Now it become 428. And alkaline phosphate, it is 338, absolutely normal. So this was the second report, second follow-up report. Now today's report, third follow-up. She was discharged after this, मतलब 10 को उसको discharge किया. And today's report is hemoglobin 10.5 and bilirubin it is 1.60, total bilirubin 1.60, direct bilirubin 1.20 and indirect 0.40. Protein levels also increase 7.10 and HGOT 85, absolutely normal 85, HGPT 166 and alkaline phosphate 137. So this is today's report. Only single dose of phosphorus creates this miracle. Sir, potency? 200. 200. Yes. So this is the. अब देखो इसमें अगर normal physiology हमें पता नहीं है, तो हम कितने wrong rubrics यहाँ ले सकते हैं अभी? कितने wrong rubrics हम ले सकते थे यहाँ पे? जैसे अगर आपको फिजियोलॉजी मालूम नहीं, जैसे कि बहुत जनों ने पूछा कि इन्फ्लामेशन नहीं ले सकते क्या, है ना, लिवर डिजीज, लिवर कंप्लेंट नहीं ले सकते, तो मतलब हमें पर्टिकुलर पे जाएंगे तो डिजीज सिम्टम हो जाएगा. तो हमें जब तक नॉर्मल फिजियोलॉजी और डिजीज फिजियोलॉजी पता नहीं, तब तक हम कैसे रूब्रिक सिलेक्ट करें. तो ये इंपॉर्टेंस होता है फिजियोलॉजी का. तो हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए. वी मस्ट नो द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग. अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो ही उसे हम डिजीज कहते हैं, राइट? सो नॉर्मल फिजियोलॉजी हमें रूब्रिक सिलेक्शन में काम आती है, राइट? तो आगे चलते हैं. समझ में आया केस? यस सर. यस सर. यस सर. सो बॉय सर, अरविंद मस्के यांचं माइक चालू आहे त्याच्यामुळे आवाज. ऍक्च्युअली मी त्यांचा बरेचदा म्यूट केला, परंतु ते नेहमी अनम्यूट करत आहे बहुतेक लहान. डॉक्टर अरविंद मस्के, तुम्ही प्लीज म्यूट ठेवा. ओके सर. येस, तुम्हाला विचारायचं असलं तेव्हा अनम्यूट करायचं, पटकन विचारणं झाल्यावर म्यूट करायचं. ओके ओके, थँक्यू.
So God has gives us healing capacity. This is nothing but immunity. If it fails, then we have to intervene, not otherwise. Even in injury, healing takes place within 24 to 48 hours. If it gives rise to any symptoms or bad signs, then only constitutional remedy is required, not otherwise. For example, in malnourished patient, tell him to take healthy diet. देखो, malnourished है आपको मतलब पता चल गया कि इसको कोई डिजीज नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से इसे सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट इंप्रूव द न्यूट्रिशन. सो ही हैज नो, ये माल न्यूट्रिशन क्यों है ये भी देखना चाहिए कि माल न्यूट्रिशन है तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन है कि एनी एपेटाइट और रिलेटेड टू हंगर प्रॉब्लम है. सो एपेटाइट और इनस्पाइट ऑफ ईटिंग वेल इज वीक मायाजमेटिक सॉरी मैराजमेटिक देन राइट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टिम्यूलस इज रिक्वायर्ड. तो अगर उसे एपेटाइट प्रॉब्लम है या फिर माल नरिश और वेट लॉस और कैकिक्स या इंस्पाइट ऑफ ईटिंग वेल, देन यू हैव टू इंटरवेन दिस थिंग्स. तो वहां पे आपको जीसीएस देना पड़ेगा. If he has loose motions after eating in restaurant, don't immediately give him medicine. First, wait and watch. First, उसके RMO को work करने दो. It is just a reaction of body to throw out toxins. So wait and watch. What we call as indisposition in homeopathy. है ना, होम्योपैथी में हनुमान ने बोला ये कि इंडिस्पोजिशन कभी ट्रीट नहीं करना. ये ही फील्स पेशेंट फील्स वीकनेस डलनेस लैक ऑफ स्टेमिना देन यू हैव टू ट्रीट इट. नॉलेज ऑफ विटामिन्स कैन हेल्प अस इन कंडीशंस लाइक पॉलीन्यूराइटिस इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन एनोरेक्सिया where vitamin B, thiamine deficiency can give rise to disease called beriberi. Right amount of vitamin will restore the health of a person without a remedy. So, इस टाइप के डिजीज है जहां lack of vitaminosis है, तो आप वहां पे vitamins patient को prescribe कर सकते या फिर एडवाइस कर सकते कि ये लोग इससे ऑटोमेटिकली चले जाएगा. इन एक्यूट एग्जासर्बेशंस वी हैव टू कंसीडर द मून फेजेस. यस, एक्यूट एग्जासर्बेशन, तो एक्यूट एग्जासर्बेशन ऑलवेज इस पे ध्यान होना ही चाहिए क्योंकि ये एक्यूटली एग्रेवेशन होता है, वर्स ऑफ सिम्टम्स होता है जो अनोइंगली हमारे सामने आता है और तब हमें ऑलवेज नॉलेजेबल होना चाहिए अबाउट द मून फेजेस. तो हमारे टेबल पे ऑलवेज एक कैलेंडर होना चाहिए जिसमें आपने हर मंथ का पहले ही क्रॉस करके रखना है न्यू मून एंड फुल मून. इन टू डेज में न्यू मून एंड फुल मून के टू डेज में आपको कभी भी पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है बिकॉज इट इज एक्यूट एग्जासर्बेशन. इट कम्स अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट विल डिसअपीयर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, राइट. तो ये जैसे स्टार्ट होता है अपन मन तो ना वेद लागले, ये वैसा ही है. जैसे टाइम स्टार्ट होता है वैसे सिम्टम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही वो टाइम खत्म होता है ऑटोमेटिकली पेशेंट को एम्लोरेशन स्टार्ट हो जाता है. अगर इस कंडीशन में पेशेंट आता है तो ऑलवेज प्रिस्क्राइब हर और हिम एसएल एंड टेक द क्रेडिट. आप इवन उसको इतना भी आप ये भी आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि देखो कल कैलेंडर किस लिए होना, कल आपको 4:20 से आराम बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि 4:20 पे अमावस्या खत्म होगी, तब से आपको
ये बोलना नहीं है, लेकिन ये बताना है कि 4:20 से आप यू विल फील बेटर, और वो पेशेंट उसके बाद आपके पास आके बोलेगा डॉक्टर साहब क्या जादू है आपके पास, बराबर 4:20 से मुझे आराम पड़ना शुरू हो गया, आपको वो भी समझता है क्या? समझ में? यस, सो टेक द क्रेडिट। तो इन एक्यूट एक्सर्बेशन वी हैव टू कंसीडर द मून फेजेस, जनरल सेंसेशन ऑफ वेल बीइंग इफ प्रेजेंट इन एनी इलनेस, डोंट रिपीट एज बॉडी हैज द कैपेसिटी ऑफ हील इटसेल्फ। आपको अगर फुल मून न्यू मून के बारे में अगर और जानकारी चाहिए और आपको देखना है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन, तो मेरे सदगुरु होम्यो हॉस्पिटल के यूट्यूब पे आप जाके उसमें आपको ये वीडियो मिलेगा, उसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके? यस। इफ द पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हैज टेकन एलोपैथिक ट्रीटमेंट और इफ ही हैज यूज्ड एनी एक्सटर्नल ऑइंटमेंट एंड आफ्टर दैट ही कम्स टू यू, तो ऐसे वक्त आप क्या करोगे? ऐसे वक्त आप क्या करेंगे? वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, व्हाई? व्हाई वेट एंड वॉच? क्योंकि उसका बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक, बिकॉज ऑफ ऑइंटमेंट, उसका इंटरनल कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म टोटली डिस्टर्ब हो गया और वो अपने आप रेगुलेट होगा, बॉडी उसको अपने आप रेगुलाइज करे जब तक आपको वेट करना है, और वो अगर रेगुलाइज नहीं होता है वेट एंड वॉच करने के बाद भी, आफ्टर दैट पेशेंट फील्स द वीकनेस और डरनेस और लैक ऑफ स्टेमिना और लैक ऑफ स्लीप, देन यू हैव टू रिपीट द फर्स्ट GCS. Don't change the medicine or don't increase the potency. Same potency, same medicine आपको ऐसे होकर repeat करना है. Okay? So, in such cases, we have to just keep him under observation. If any complaint appears along with weakness, then only we have to repeat the constitution. How can you give the scientific explanation of why no external application of any ointment, eye drops during homeopathic treatment, which is harmful? किस तरह से आप इसका scientific explanation दें? बहुत से patient आपको पूछेंगे या फिर आपको बोलना है कि हमारा medicine start होने के बाद आप ointment और ear eye drops use नहीं करना, किस तरह से आप इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि व्हाई, क्यों नहीं करना चाहिए? कौन बोलेगा? क्योंकि स्किन से टॉक्सिन्स एक्सक्रीशंस होते हैं, इलिमिनेशन होता है, आईज से थ्रू टीयर्स से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, राइट? इसीलिए कभी भी आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स यूज नहीं करना, जिससे क्या होगा, जो एक्सक्रीशन हो रहा है, जो एलिमिनेशन हो रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वहां के सेल्स का इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाता है और वो बढ़ने की वजह से जो टॉक्सिन्स बाहर आने वाले थे वो वापस अंदर भेजे जाते हैं जहां से वो आए। आप देखो ना, हम बोलते कि 420 वोल्ट है, तो हम उस जैसा बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है, इसमें 440 420 वोल्ट है, तो हम क्या करते, उससे बहुत दूर से जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खींच लेता है ना, इसका मतलब
उसके पास हम नहीं जा सकते, तो वैसे ही इलेक्ट्रो ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाता है उस पार्ट का जहां से आप जहां पे आपने अप्लाई किया, तो वो बढ़ने की वजह से वहां पे टॉक्सिन्स आएंगे क्या एक्सट्रेड होने के लिए, नहीं वो वहां से रिटर्न चले जाएंगे। तो ये वजह होती है, ये आपको समझना है और समझाना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, यस पैसिव ट्रांसपोर्ट ब्लॉक करते हैं ना, यस यस यस। सो इफ एनी कंप्लेंट्स अपीयर अलोंग विद विटनेस, हो गया ना, हाउ कैन यू गिव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई नो एक्सटर्नल एप्लीकेशन और एनी ऑइंटमेंट एंड ड्रॉप्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट विच इज हार्मफुल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मल्स फिजिकल जनरल्स विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ये भी साइंटिफिकली समझना चाहिए कि व्हाई वी गिव इंपॉर्टेंस टू थर्मल्स एंड फिजिकल जनरल्स बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजी, क्योंकि हैनेमन ने डॉक्टर केंट ने क्या कहा है कि हमें अगर जीसीएस देना है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम देना है तो वी मस्ट हैव टू कंसीडर द मेंटल मेकअप फिजिकल मेकअप जनरल मेकअप मायास्मेटिक मेकअप डिजीज मेकअप। तो ये सब मेकअप्स हमें मेकअप करने होते हैं, इसीलिए हम थर्मल्स को एपेटाइट्स को फिजिकल जनरल्स को इंपॉर्टेंट देते हैं। टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक जेनेटिक नेचर एज कंपेयर टू द फीलिंग इमोशन डिलूजन्स एंड इल्यूजन्स, यस टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम्स व्हाई ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स आफ्टर राइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन फॉलोअप्स। मैंने बोला था फॉलोअप्स इज द मिरर ऑफ आवर सक्सेस, तो ये सब इंपॉर्टेंट। Now, what is the human body makeup of? अब देखते हैं हम human body makeup of. As we know that human being is made up of thousands of complex compounds, the main substance is 70-80% of water. देखो body में 70-80% of water होता है, proteins, lipids, inorganic salts that is metal and non-metals. Body is not just a static jumble of chemicals, but a dynamic, highly organized, marvelous, designed living. It constructs itself. It grows, acts and reacts, regulates its own activities, gives it its part in fairly good repair. Automatically repair होता है, and besides all that it reproduces so as to ensure the continuity of human life. Yes, the most basic unit of body is cell. The entire body contains about trillion cells, each has some assigned place to occupy, some specific role to play. Cells are of many types. They perform functions specific to the tissue or organs. They form, for example, some cells like those of nervous system, liver, and endocrine glands perform specialized function, yes. As you all know, many cells of similar structure and functions together form a tissue. Number of tissues form an organs, and many organs form a system, and the system make a body. So, jo body fluids hai. ये फ्लूइड्स में क्या क्या होता है? सो अबाउट 56% ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज फ्लूइड। द फ्लूइड कैन बी इंट्रासेल्युलर दैट इज इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रासेल्युलर दैट इज आउटसाइड द सेल। द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
intraocular fluid, fluid of gastrointestinal tract and fluid of potential spaces. This extracellular fluid is in constant motion through the body by the blood circulation. It contains proper concentration of oxygen, glucose, amino acids, fatty acids, sodium, potassium are basic nutrients that are required for maintaining of life. The product of excretion are put into the extracellular fluid by the cell from where they are later removed. The all cells live in essentially the same environment, that is the extracellular fluid, for which reason it is called internal environment of the body or the milieu interior. तो बहुत अच्छी तरह से सर ने समझाया कि इंट्रा सेल्यूलर फ्लूड होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड होता है, और जब भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आता है तो ये ट्रांसफर होता है थ्रू ब्लड, है ना। अगर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूड कम होता है तो एक्स्ट्रा से उसका मेंटेन जो भी होम्योस्टेसिस है उसका जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन होगा, और एक्स्ट्रा का खत्म होता है तो इंट्रा से आएगा और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। So normally the extracellular and intracellular fluid maintains equilibrium. Both these fluids have different composition. This difference between the components of the intracellular and extracellular fluid is extremely important for the same. There is constant shift from extra to intracellular or spaces or vice versa. So special mechanism for transporting ions through the cell membrane maintains these differences. This process of diffusion of fluid is called by kinetic motion of the molecule in the both extracellular and intracellular fluid. It takes place within few seconds. और ये सब कैसा है? Kinetic, automatic. It doesn't require energy. This maintenance of constant balance between this fluid is called homeostasis. और ये always maintain होता है. Homeostasis body की always maintain होती है. And body tries to maintain it continuously. To remain healthy, this balance has to be maintained. Extreme dysfunction leads to death, while moderate dysfunction leads to disease, sickness. So Guyton has mentioned in his book of physiology, this has automaticity of the body. He says, each functional structure provides its share in the maintenance of homeostatic conditions in the extracellular fluid, which is called the internal environment. As long as normal conditions are maintained in this internal environment, the cell of the body can continue to live and functions properly. Thus, each cell benefits from homeostasis, and in turn, each cell contributes its share towards the maintenance of homeostasis. That's why suppression occurs. क्योंकि each and every cell is connected to each other. और ये connected होते हैं, इसलिए ये कहीं पे भी कोई भी cell में अगर कुछ भी problem होता है, वहां का equilibrium disturb होता है, तो पट से वहां पे अगर liquid का fluid का equilibrium डिस्टर्ब होगा तो वहां से फ्लूड चले जाएगा। वहां पे अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है तो फट से बॉडी उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी, दूसरे जगह से भेज के, क्योंकि वो सब एक मेक को कनेक्टेड होते, राइट। सो दिस रेसिप्रोकल इंटरप्रेट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस ऑटोमेटिसिटी ऑफ द बॉडी अंटिल वन और मोर फंक्शनल सिस्टम्स लूज देयर एबिलिटी।
contribute their share of function. That's why we say that man as a whole. क्योंकि हम सिंगल सेल को नहीं ट्रीट कर सकते मैन एज ए होल, क्योंकि पूरा मैन उसमें इन्वॉल्व होगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें इन्वॉल्व होगा, राइट? यस. व्हेन दिस हैपेंस ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी सफर. एक्सट्रीम डिसफंक्शन लीड्स टू डेथ, वेयर एज मॉडरेट डिसफंक्शन लीड्स टू सेल. द सेम ऑटोमेटिसिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय आवर मास्टर डॉक्टर हैनेमन इन एफोरिज्म नंबर 9. एज in the healthy condition of man, the spiritual vital force autocracy, the dynamics that animates the material body organism, rules with unbounded way and retains all the parts of the organism in admirable harmonious vital operations as regards both sensation and function, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for higher purpose of our existence. इतना अच्छा हैनेमन ने लिया है, लिखा है पूरी फिजियोलॉजी इसमें एक्सप्लेन कर दी. सो हैनेमन इन दोज डेज कुड स्पीक अबाउट ऑटोमेटिसिटी दैट गाइटन सेड अबाउट द सेल फंक्शनिंग. In spite of no microscope or detailed knowledge of the science in those times, he distinctly calls a unit of action in the whole organism as a vital force. He says harmony itself is a vital force. किस तरह से vital force work करता है, किस तरह से vital force homeostasis maintain करता है, equilibrium maintain करता है, और ये सब कुछ होता है automatically. So Kent in his lecture says vital force is a power of a power or a cause without which effect is not possible. Harmonious vital operations. Vital force is a power or cause without which effect is not possible. So vital force ko hi action leni padengi koi bhi disease cure karne. इसीलिए अवर मेडिसिन एक्ट्स ऑन वाइटल फोर्स, अवर मेडिसिन स्टिमुलेट द वाइटल फोर्स. इट डिस्क्राइब द ऑटोमेटिसिटी ऑफ बॉडी लाइक द बॉडी डज नॉट मूव थिंग और थिंक नॉर एक्ट अनलेस इट हैज इट्स इंटीरियर डिग्री ऑफ इमटेरियल सब्सटेंसेस व्हिच एक्ट अपॉन द इकोनॉमी कंटिन्यूअसली इन द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर keeping all things in order in function. ये सब काम करता है automaticity of the body. पूरा automatically arrange है, automatically उसका function है, automatically सब कुछ है. So chapter 8, Dr. Kent's lecture described further. Every cell has within its a vital substance, each having its particular kind of function. जैसे हम बोलते हैं कि each and every cell have a mind. हर cell को mind होता है. उसी तरह से हर cell में vital force होता है. अगर vital force नहीं तो वहां पे automaticity रहेंगी नहीं. अगर वहां का फ्लूड कम होता है, इंट्रासेल्युलर हो या एक्स्ट्रासेल्युलर हो, पट से ऑटोमेटिसिटी उसे मेंटेन करती है, क्योंकि वाइटल फोर्स वहां प्रेजेंट है, वाइटल एनर्जी वहां प्रेजेंट है. सो स्टुअर्ट क्लॉज सेज ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इंटीग्रेट मशीन इन द वर्ल्ड, लाइक द मोटिव पावर फ्लोज थ्रू देम एंड यूनिट्स देम इनटू एन ऑर्गेनिक होल. ईच पार्ट डिपेंड्स अपॉन other part, each part depends upon other parts and all act together as one in health and disease. एक दूसरे से सब अटैच है, एक दूसरे से सब डिपेंड है, इसलिए मैन एज अ होल कंसिडर करना मस्ट. नो ऑर्गन कैन बिकम डिजीज विदाउट अ प्रोसीडिंग डिस्टर्बेंसेस ऑफ द लाइफ प्रिंसिपल. जब तक वाइटल फोर्स विक नहीं होगा तब तक बॉडी वी डजंट
और वी कैन नॉट से डिजीज्ड। तो ये जो लाइफ प्रिंसिपल है दैट इज द वाइटल फोर्स इन विच ऑल ऑर्गन्स पार्टिसिपेट, लाइफ इन डायनेमिकल सेंस इज एनर्जी। यस, लाइफ है मतलब वहां एनर्जी प्रेजेंट है, और जब एनर्जी लॉस्ट हो जाती तो लाइफ भी लॉस्ट हो जाती, डिस्टर्ब एंड। स्टुअर्ट क्लॉज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डायनेमिक, दैट इज ग्रीक नाउन एज इट इज अ पावर और फोर्स। द पावर और प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिवली कंसिडर्ड अप्लाइड बाय एनिमल टू द लाइफ प्रिंसिपल। तो वाइटल फोर्स के लिए क्या क्या कहा है सब यहां बताया है, लाइफ पावर, लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स, एनर्जी। सो इट कैन बी एक्सप्लेन एज डायनेमिकल दैट इज पर्टेनिंग टू मोशन एज रिजल्टेंट फोर्स और अपोजिट टू स्टैटिक। सो दिस इज द नॉर्मल एंड जनरल फिजियोलॉजी एंड इट्स relation with homeopathy, right? How the vital force, the vital energy, the vital principle, the functioning of body, sensations of and functions of the body, ye sab kaise correlate hai ek mein, right? So humne yahan tak physiology dekhi, ab hum kal cell dekhenge, kal hum start karenge cell se, to cell ka functioning, pehle humne cell ka structure dekha tha. Now we see the mind of cell, functioning of cell. Yes, so tomorrow we will take on lecture on cell. Okay, so अभी किसी को कुछ बोलना है कहना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर जी, अपन मागे एक ऐसे रीची केस फाइल हुई थी, ऐसे जी ऐसे ली पेशंट येतात सर काही नी जॉइंट पेन साठी वगैरे, त्यांचं प्रिव्हियसली काही अप्लिकेशन, तर मग म्हणजे इथे जिथे मी प्रॅक्टिस करतोय तिथे लोक ऐकायला तयार नसतात की एक्सटर्नली काही अप्लाय नाही करायचं हे मी सांगायचा प्रयत्न करते, पण मग ते म्हणजे एक पॉइंट असा आहे तो की म्हणते ठीक आहे तुम्ही जे आतापर्यंत लावत आले ते कंटिन्यू ठेवा, नवीन काही अप्लाय नका करू, तर अशा वेळेस काय करायचं? तुम्हाला माहिती आहे के काही होमिओपॅथ आहेत जे अति सक्सेसफुल आहेत, काही होमिओपॅथ आहेत जे मीडियम आहेत, आणि काही आहेत जे खूप स्ट्रगल करतात तरी पण सक्सेस मिळत नाही। तर हे जे सक्सेस आहे ना हे कशावर अवलंबून आहे? I think so, it is depend 100% depend on your attitude. ते कसं, एक एक्झाम्पल सांगतो। यवतमाळला एक डॉक्टर आहे जे पेशंटला डायरेक्टली म्हणतात तुमची गरज असेल तर घ्या नाही तर जा, आणि त्यांची डेली प्रॅक्टिस नियर अबाउट 4 to 5 lakhs आहे डेली, हा नॉट मंथली, डेली। होमिओपॅथ सर? होमिओपॅथ डॉक्टर राठोड सर ना? या 100 पेशंट्स पर डे, 1 पेशंट विद इन अ मिनिट, असा पेशंट येतो असा बाहेर जातो, तिथं बेलही नाही वाटत। तर सर्व काही डिपेंड आहे तुमच्या ऍटिट्यूडवर, तुमच्या नॉलेजवर,
राइट तुम्ही पेशंटला कसं एक्सप्लेन करता तुम्ही पेशंटला कसे रूल्स लावता तुम्ही पेशंटला कसे डिसिप्लिन लावता हे सगळं काही त्याच्यावर डिपेंड आहे आणि तुम्हाला किती नॉलेज आहे पेशंटने जर काही क्वेश्चन विचारला तर तुम्ही कसं सायंटिफिकली त्यांना सांगू शकता जर तुम्हीच त्यांना परमिशन देताय तो आज एका गोष्टीची परमिशन मिळाली उद्या दुसरी गोष्टीची परमिशन घेईल तुमच्याकडे ना आज ऍप्लिकेशन करिता सांगितलं तो म्हणेल एखाद्या वेळेस चेंज झालं तर चालेल का एखाद्या वेळेस अँटीबायोटिक घेतलं तर चालेल का एखाद्या वेळेस स्टेरॉइड खाल्लं तर चालेल का एकदाच घेईल तिथं कुठे म्हणजे तिथे कसा काय रिझल्ट येईल हॅनेमॅनने सांगितलं की स्ट्रिक्टली अवॉइड मग आपण कोण होतो की 50% त्याला परमिशन द्यायची 50% नाही द्यायची स्ट्रिक्टली अवॉइड मीन्स स्ट्रिक्टली अवॉइड कारण तुम्ही एकदाही लावलं तरी तोच परिणाम होणार 10-10 लावलं तरी तोच परिणाम होणार सिंपल ऑइंटमेंटही लावलं तरी तोच परिणाम होणार आणि मेडिकेटेड किंवा स्ट्रॉंगली मेडिकेटेड लावलं तरी तोच परिणाम होणार कारण ईच अँड एव्हरी ऑइंटमेंट कंटेन्स एनेस्थेटाइज्ड एजेंट और वो अप्लाई होने के बाद उतने पार्ट को एनेस्थेटाइज कर देगा और वो एनेस्थेटाइज हो गया मतलब वहां का फंक्शन लॉस हो गया फंक्शन लॉस हो गया मतलब वहां से एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स कैसे होगा नहीं होगा और जो अप्लाई किया उसकी वजह से वहां पे वहां का इलेक्ट्रोग्रेडिएंट पोटेंशियल सेल्स का बढ़ जाएगा और वो बढ़ने की वजह से वहां पे जो टॉक्सिन्स आएंगे वो बाहर नहीं जाएंगे वो वापस उस पावर की वजह से वापस अंदर उसी फोर्स से भेजे जाएंगे देन सप्रेशन स्टार्ट अंडरस्टैंड हो सर यस आणि सर जे पेशंट ऑइलिंग करतात किंवा मग आयुर्वेदिक जे डोक्याला शॅम्पू वगैरे ऑइलिंग मसाजिंग आहे ना मसाजिंग एक सिंपल एक एक्झाम्पल देतो मी परवाला माझ्याकडे एक पेशंट आला ऍक्च्युली डॉक्टर होते ते त्यांच्या मिसेसला सिव्हिअर मिनोरेजिया म्हणजे एवढं प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की 8 दिवसात त्यांचं एच बी 14 वरनं डायरेक्ट 6 वर आलं किती लॉस ऑफ ब्लड झालं असेल विचार करा आणि आफ्टर मेडिसिन ब्लड फ्लो स्टॉप झाला ब्लड फ्लो स्टॉप होऊन आफ्टर 1 मंथ एक सिंपल एक मतलब जो प्रेड होता एमसीचा डेट होती त्या डेटवर त्यांना जस्ट स्पॉटिंग झालं 3 दिवस आणि स्पॉटिंग झाल्यानंतर लगेच स्टॉप झालं पण 5 दिवसानंतर रिपीट फ्लो झाला प्रोप्यूस फ्लो टेल मी द रीजन नी अप्लिकेशन सर यस तर त्यांनी काय केलं मी जेव्हा ते आले की हे कसं काय झालं परत स्टॉप झालं होतं यावेळेस एमसी डिस्चार्ज पण स्पॉटेड होता नुसतं मग आता हे परत का रिपीट आलं का झालं असं ऍलोपॅथिक क्वेश्चन्स असं नाही व्हायला पाहिजे है ना ऑपरेट करायचं का जर असं रिपीटेडली होत असेल तर जेव्हा मी पॉझिशन्स विचारले की तुम्ही नवीन काय केलं ते सांगा काही इमोशनल अपसेट झाले काही ब्रेकडाऊन झाले का नाही इमोशनली काहीच नाही झालं ऑल इज वेल इव्हन त्यांनी सांगितलं की आत्ताच माझ्या मुलीचा नंबर लागला तिला खूप छान जॉब मिळाला गव्हर्नमेंट जॉब मिळाला त्यामुळे आम्ही सर्व खुश होतो मग असं का झालं काय नवीन काही यूज केलं काही अँटीबायोटिक्स घेतले काही ड्रग्स घेतले का नाही मेडिसिन काही घ्यायचं कामच नाही पडलं आणि घेतलं तर म्हणजे तुम्हाला विचारल्याशिवाय मी घेत नाही मग काय झालं असं व्हॉट हॅपन नवीन काय युज केलं ते सांगा या 15 दिवसात मग त्यांनी सांगितलं की थंडा थंडा कुल
है ना, तो कैप के साथ एक बजाज बजाज आलमंड ड्रॉप से काहीतरी नवरत्न सर नवरत्न नहीं नवरत्न तेल सारखच एक बजाज आलमंड चे येते बघते ते नवरत्न तेल पेक्षा स्ट्रॉंग आहे. ओके ते अप्लाई नवरत्नाचा खूप स्मेल येतो सर त्याचा. हा नवरत्न जे आहे ना त्याच्यापेक्षाही स्ट्रॉंग आहे ते बजाज आमलाच बजाज आलमंडच. तर त्यांनी ते अप्लाय केलं त्याच्यानंतर हे इफेक्ट आले. तर त्याच्यात काय असते जे थंडक देते त्याला काय म्हणतो आपण? मेंथॉल. येस. त्याच्या प्रॉपर्टीज काय? एनेस्थेटाइज. त्याच्यामुळे हे सगळं झालं एवढे सडन आणि फास्ट इफेक्ट येतात. सर मग सेम मेडिसिन रिपीट की हायर पोटेंसी? नो 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 लेस एवरी टाइम ऑन. ओके गिव द फर्स्ट चांस टू हर वाइटल फोर्स हर आरएमओ कॉम्पेंसेटरी मेकेनिज्म अपने आप वहां पे मेंटेन होगा. इससे भी बढ़िया एक एग्जांपल है बहुत ही खतरनाक है. एक कोमा का पेशेंट था नियर अबाउट 88 इयर्स ओल्ड जेम्स पेशेंट जो कोमा से उसे मैंने बाहर निकाला पूरा ओके हो गया चलना फिरना शुरू हो गया पेशेंट को बस डिस्चार्ज देना और डिस्चार्ज जिस दिन उनको बोला लास्ट नाइट कि कल आपको डिस्चार्ज होगा कल आपको जाना है तो ठीक है बोले ओके. सुबह उसका लड़का आया और जैसे कि नियर अबाउट 11 डेज से पेशेंट एडमिट था तो पेशेंट की दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी. आप घर पे लेके जा रहे तो हीरो बना के लेके जाएंगे लड़के को ऐसा लगा कि फादर भी हीरो बना के लेके जाएंगे. उसने उसका वो फोम आता ना सेविंग का कॉक की फोम क्या बोलते तो वो लगा के सेविंग किया फादर की हॉस्पिटल में ही और सेविंग किया. सेविंग के बाद जब मैं 12 बजे राउंड पे गया तो वो बोले कि आज मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है. फिर मैंने बाकी पैरामीटर्स देखे बीपी वगैरह चेक किया थोड़ा बीपी डाउन था. फिर मैंने बोला एक काम करते हम थोड़ा सा 2 बजे तक वेट करते फिर 2 बजे आपने चले जाना तो ठीक है बोले. तो 2 बजे तक पेशेंट एकदम डल हो गया. मैं बात कर रहा पेशेंट को कुछ क्वेश्चंस कर रहा तो पेशेंट के समझ में नहीं आ रहे क्वेश्चंस. और शाम को पेशेंट वापस कोमेटोज हो गया. देखो कितना फास्ट और सडन होता है जब सपरेशन होना है. सपरेशन ऑफ टॉक्सिन्स जब होता है तो वो किसी की राह नहीं देखता और सामने कौन है ये भी नहीं देखता किसने ट्रीट किया ये तो कभी नहीं देखता. फिर पेशेंट वापस कोमा में चले गया. इतनी मेहनत की पेशेंट घर पे जाने वाला था. समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या किया कि ये हो गया. तो वापस सबको बुलाया वापस उसकी हिस्ट्री लिया कि क्या किया तुमने रात से बताओ. रात में कुछ दिया उनको खाने को या फिर कुछ क्या अप्लाई किया बॉडी पे? नहीं तो सुबह बोले मैंने सेविंग किए और उसके लिए क्या यूज किया. पेशेंट घर पे नहाने के साबुन से करता था उसको आदत देखो क्या थी कि नहाने के साबुन से बॉडी सोप से वो सेविंग करता था और आज उसने फोम लगा दिया. कितना फास्ट हुआ. मैंने सेम रेमेडी उसको दी पेशेंट निकला नहीं. वापस हिस्ट्री लेके वापस मेडिसिन निकाला पेशेंट कोमा से बाहर नहीं आया. 2-4 मेडिसिन चेंज हुए पेशेंट बाहर नहीं आया. अल्टीमेटली ही डाइड. दिस इज द सपरेशन. इसको बोलते हैं बैड सपरेशन डेडली सपरेशन सीवियर सपरेशन. हाँ तो वो कंटिन्यूअसली अगर यूज करता है तो उसको नहीं होगा.
मतलब अगर हैबिट है तो, क्योंकि आजकल तो यूज ही करते हैं सब लोग। यस, जो जो कंटिन्यूअसली करता है, हैबिचुअल है, उसे कुछ नहीं होगा। जैसे कि हम पेशेंट को ये नहीं बोलते कि भाई आप कोलगेट मत यूज करो, क्यों? क्योंकि वो जैसे बच्चे को दांत आते हैं तो पहले उसकी मदर मम्मा क्या करती है, कोलगेट ले ले बेटा, तो तब से उसको हैबिट हो जाती है। मला तसंच वाटलं होतं सर की म्हणजे जर ते पूर्वीपासून काही लावत आलेत तर मग हॅबिच्युअल आहे तर ठीक आहे, बाकी नाही ऐकत आहे तर मग ते लावा तुम्ही, नवीन नका असं वाटतं। परंतु ते जर मेडिकेटेड असतील तर नाही चालणार। ओके सर, ओके। हां, नॉन मेडिकेटेड असतील तर चालेल सर। एक गोष्ट, हां, ते इतर लावतात लोक, कंटिन्यू लावतात। Yes. या गोष्टी मी काही खूप असं, कारण मेडिकेटेड आहे नाही पण स्ट्रॉंग स्मेल आहे तर कसं आहे, कंटिन्यू लावणाऱ्या लोकांना, कंटिन्युअस लावणाऱ्या लोकांना काही प्रॉब्लेम नाही होणार, कारण त्यांना ते हॅबिच्युअल झालेलं, त्यांना त्याचा सुगंध पण येत नाही, तो नुसतं लोकांना येतो, राईट? तर अशांना काही प्रॉब्लेम नाही, परंतु इट इज नॉट नेसेसरी अँड हार्ड अँड फास्ट की तुम्ही त्याला परमिशन द्यावीच म्हणून। जर आपली त्या ठिकाणी एखादी नॅट्रोम्युराइन नक्सोमिका आहे जी खूप सेन्सिटिव्ह मेडिसिन आहे, त्यांना जर इफेक्ट होत असेल तर इट इज नॉट अलाउड, राईट? पेशंटला मेडिसिन द्या तुम्ही, सोबत ते चालू ठेवा, परंतु जर मेडिसिन इफेक्ट येत नसेल तर आधी ते स्टॉप करा। Yes. सर, हल्ली हेअर कलर पण खूप लोक करतात ना, म्हणजे ते पण आपण स्टॉप नाही करू शकत। हा, आता काही दिवस याचा प्रॉब्लेम येईल, नंतर ते हेरिडेटरी होऊन जाईल। येस सर, परफ्यूमच काही, म्हणजे परफ्यूम लावल्याने काही होऊ शकत? परफ्यूम अगेन द काय ते परफ्यूम, मेन मला सांगा की परफ्यूमचा युज कशासाठी? परफ्यूमचा मी युज विचारतो तुम्हाला, कशासाठी परफ्यूम लावतो? स्वेटिंग स्मेल, हे करण्यासाठी, स्वेटिंग स्मेल। कोणीतरी बारीक आवाजात म्हटलं की मुलींना इम्प्रेस करण्यासाठी। परफ्यूम आपण ऍक्च्युअली काहीतरी लपवण्याकरिता यूज करतो, दॅट इज द बॅड स्मेल ऑफ पर्स्पिरेशन। जर पर्स्पिरेशनचा त्यांनी स्मेल निघून जात असेल किंवा सप्रेस होत असेल तर याचा अर्थ काय, ते स्किनवर पण ऍक्ट होते, स्किनवर पण जिथून पर्स्पिरेशन होणार तिथं ते चेक होऊन जाईल, ब्लॉक होऊन जाईल, अगेन इट इज बॅड, राईट? आधी आधी ते हे पण करायचे, काय म्हणतात त्याला, काय म्हणतात, बॉडी स्प्रे, नाही बॉडी स्प्रे, डिओज म्हणतात सर, डिओज म्हणतात, डिओ डिओ है ना, ते आधी त्याच्या स्टिक पण यायच्यात की नुसतं रब करायचं स्किनवर, त्यांनी पर्स्पिरेशन व्हायचं नाही, पर्स्पिरेशन इट इज complete stoppage of excretion of toxins, check perspiration as well, right? So not allowed at all. Perfume तो आपण body ला लावतो ना, म्हणजे body ला, म्हणजे कपड्यांना, cloth ला, skin वर apply नाही करू द्यायचं तुम्ही, कपड्यांवर ती, yes, cloths वर घेऊ शकता, परंतु अति strong नको, light वाले चालतील, आणि कपडे घातल्यानंतर नका यूज करू, कपडे जेव्हा घालायच्या आधी कपड्यांवर मारा, नंतर यूज करा। यस सर, अक्यूट एक्सर्सर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस मध्ये तुम्ही सांगितलं की फुल मून न्यू मून बघून नाही प्रिस्क्राइब करायचं, पण समजा त्याच्या बियॉन्ड जर आला असेल पेशंट अशा अशी स्टेज घेऊन, तर मग आपण कसं प्रिस्क्राइब करायचं, अक्यूट चार्ट वरून करायचं का? आधी फाइंड आउट करा की अक्यूट एक्झर्सर्बेशन झालं कशामुळे, ते रॉंग आहे की राईट आहे, त्याकरिता तुम्हाला केंट स्केल ऑब्झर्वेशन माहिती पाहिजे, राईट?
सर आता तुम्ही जे सांगितलं की फुल मून आणि न्यू मून मध्ये ज्या डिलिव्हरीज होतात मोस्टली जास्त आणि मग तेव्हा तशा बर्थ हिस्ट्री मध्ये ते काही म्हणजे इम्पॉर्टन्स आहे का त्याला आहे ना जर अमावस्या पौर्णिमेला फुल मून न्यू मूनला एवढा इम्पॉर्टन्स होमिओपॅथी मध्ये आहे तर डेफिनेटली याच्यामध्ये काहीतरी सायन्स आहे तुम्ही बघा ना जे बर्थ अमावस्येला होता त्याला आपण आपलं सायन्स किंवा आपली मायथोलॉजी काय म्हणते इट इज नॉट अ गुड बर्थ जे अमावस्येला होतात पौर्णिमा इट इज वेलकम बट अमावस्या इट इज नॉट अ गुड सम सिपिलिटिक फॅक्टर इज देअर राईट तर तिथे काहीतरी सिपिलिटिक होईल नंतर बाळाला किंवा बाळाच्या आईला काहीतरी आजार होईल सिपिलिटिक डिझीज सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ सिपिलिटिक मायाझम न्यू मून बर्थ तुम्ही बघा जर तुम्ही बिफोर कन्सेप्शन जर एखाद्या स्पिरिच्युअल पर्सन किंवा जे काही ज्यांना या सायन्स मधलं माहिती असते त्यांना जर तुम्ही विचारलं तर तिच्यात लिहिलेलं किंवा आपल्या गीतेत सुद्धा लिहिलेलं आहे की जर तुम्हाला कन्सेप्शन पाहिजे असेल तर ड्युरिंग न्यू मन यू मस्ट अवॉइड इंटरकोर्स राईट त्याचं काहीतरी रिझन आहे ते पण एक सायन्स आहे अजून हॅलो सर गुड इव्हनिंग सर एक विचारायचं होत आता एक रिसेंटली पेशंट होता सर डॉक्टरने सांगलं होतं ऑपरेटिव्ह होते फिशर होत त्याला मेडिसिन दिली तर त्याला एका दिवसामध्ये 90% आराम झाला आता फर्स्ट फॉलोअपला आला होता तो 2 दिवसाअगोदर तर तो म्हटला की मला 5-6 दिवसापासून थोडा त्रास वाढला म्हणून जाणवला म्हणून पहिल्या सारखे पण जाणवला म्हणून मग मी विचारलं की म्हणजे असं काय झालं बा काही म्हणजे खाण्यामध्ये वगैरे काही किंवा कुठलं काही नाही म्हणे सर म्हणे ते सलून मध्ये गेलो तो हे डाय केलं म्हणे त्याच्यानंतर हेडॅक झालं म्हणे मग तो 1-2 दिवस थोडा त्रास झाला आता जे क्लासमध्ये डिस्कशन आपलं ते म्हटलं तर सर मग ते त्या पेशंटला जो त्रास झाला फिशरचा तर मग ते हेड आय मुळे असू शकतो का होऊ शकतो अच्छा वेट अँड वॉच हो एसएलच दिलं त्याला म्हणजे सर मग हेड आय सुद्धा स्ट्रिक्टली सांगायचं नाही त्या यस यस आणि पहिल्यापासून जर करत असेल तर सर तो हेड आय सेम कंपनीच करायला पाहिजे आता लेडीज कंपल्सरी करतातच मॅक्झिमम तर त्यांचं थोडा हो ना पार्लर वाले काय नेहमी ब्रँड चेंज करत असतात अच्छा थँक्यू ओके हॅलो सर हा सर पेशंटना कन्व्हिन्स होत नाही ऍक्च्युली हेड आय थांबवा स्टॉप करा असं म्हटल्यावर तर त्यांना काही अल्टरनेटिव्ह हिंदी वगैरे असं चालतं का सांगितलं तर नो जे नवीन पेशंट आहेत ना ज्यांना आपण फर्स्ट टाइम मेडिसिन देतोय जे पेशंट फर्स्ट टाइम औषध घेत आहेत त्यांना स्ट्रिक्टली सांगा की 2-3 महिने हे अवॉइड करा जेव्हा तुमचा प्रॉब्लेम थोडा कंट्रोलमध्ये येऊन जाईल तेव्हा एखाद्या वेळेस त्यांनी युजही केलं तर तिथे काय होईल थोड्या वेळाकरता ते कॉम्पेन्सेशन डिस्टर्ब होऊन जाईल कॉम्पेन्सेटरी मेकॅनिझम किंवा जी प्रोसेस क्युअरची आहे ती काही वेळाकरिता डिस्टर्ब होईल नंतर तुम्ही वेट अँड वॉच करून किंवा जर तिथे सपोज डलनेस विकनेस आला सपोज तर तुम्ही रिपीट करून त्याला परत रेग्युलाइज करू शकता म्हणून एकदम स्टार्टिंगला जर त्यांना ती परमिशन दिली तर तिथे प्रोसेस स्टार्ट नाही होणार ना क्युअरची बरोबर पहिले 2-3 महिने अवॉइड करायला सांगायचं ओके सर आणि सर आता जी तुम्ही अक्यूटची केस सांगितली ना हेपेटायटिसची त्याच्यात तुम्ही म्हणाले सर की 2-3 म्हणजे 6 तारखेला तिला मेडिसिन दिलं आणि 8 तारखेपासून तिचा फीवर कमी व्हायला लागला तर ते 2-3 दिवस जेव्हा तिला 103 फीवर होता तेव्हा कसं समजायचं म्हणजे क्युअर होत आहे की नाही म्हणजे तिचे जनरल्स इम्प्रूव्ह होते की नाही म्हणजे फीवर तर होताच ना तिला 2 दिवस 7 आणि 8 राईट
तर तुम्ही तुम्ही एवढं एक्सपेक्ट करणार का की डोस दिल्याबरोबरच त्याला इम्प्रूव्हमेंट होईल? सर 24 to 48 आवर्स मध्ये आपल्याला दिसतं ना. हिपेटायटिस झालेला आहे. हिपेटायटिस झालं म्हणजे पूर्ण लिव्हरचं फंक्शनिंग डिस्टर्ब झालेलं आहे. तिथे लिव्हरचे इच अँड एव्हरी सेलचं डिस्टर्ब फंक्शनिंग डिस्टर्ब आहे. तर तिथे ते रेग्युलाइज व्हायला काही तर वेळ लागेल. आणि मेडिसिन दिल्यानंतर जर टेम्परेचर वाढत असेल दॅट इज द गुड इंडिकेशन ना की युअर मेडिसिन इज राईट. येस सर. है ना. फर्स्ट इंडिकेशन जर एवढं चांगलं भेटलं तर वेट अँड वॉच. अच्छा तुम्ही बोलले ना चिल्स पण होते डलनेस पण होतं तिला दोन दिवस पण फीवर वाढला होता. दोन दिवस होत पण दोन दिवसानंतर कमी झालं. पेन गेलं बॉडी गेलं चिल्स फक्त फीवर वाढला म्हणून आपण थांबलो होतो की अॅग्रेवेशन झालं नाही फीवर. ओके सर थँक्यू. थँक्यू सो मच. येस कल्पना हाऊ आर यू? Yes sir, I'm great. Thank you sir. How are you? Fine, fine. Thank you. We are seeing after a long time. Yeah. Thank you. Baki sarva majet na? Okay. Majet in the chat. Yeah. So okay, now stop here. We will stop. And thank you very much. Tar tumhi to न्यू मून फुल मून चा व्हिडिओ बघा युट्यूबला लाईक द्या ओके आणि सबस्क्राईब करा. शुअर सर. ओके.